साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और मार्केट में कैसा रहता है रिएक्शन उसके बारे में बात करेंगे और कल कैसा रहेगा वीकली एंड में मार्केट उसका स्ट्रेटजी हम बताएंगे। तो चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में आज कैसा रहा दिन भर का रिएक्शन वो देखते हैं। तो पहले वन डे कैंडल में देखना है, कोई भी चार्ट पहले देखने से पहले वन डे कैंडल देखना है। वन डे कैंडल से आपको मार्केट का ट्रेंड पता लग जाएगा, पूरा दिन भर का ट्रेंड कैसा रहेगा और कल कैसा रहेगा ट्रेंड उसका पता लग गया। पहले वन डे कैंडल देखना है, ये देखिए वन डे कैंडल में जहां हम बेयरिश कैंडल बना था बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न दो बार बन गया, तीसरी बार भी बना बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। हम यहीं से बात किए थे ये डोजी कैंडल बनेगा बोल के, यहां से अगर ब्रेकआउट देते हैं तो ये बेयरिश मोड में आएगा। तो हम बात किए थे जैसे 10,000 आपको मेन लेवल था सपोर्ट लेवल, 10,000 ब्रेकआउट होने के बाद एक 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, ये देख पा रहे हैं 9,902 पे क्लोजिंग दिया है। तो आपको ये भी देखना है जो यहाँ से और कितना नीचे के मूवमेंट आएगा और कितना नीचे आएगा और कितना ऊपर जाएगा। पहले देखने के लिए आपको एक कैंडल देखना है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद एक बाउंस बैक बनता है, अगर बाउंस बैक भी नहीं बना दूसरा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन जाता है, ये दो कैंडल बनेगा और तीसरा कैंडल नहीं बनता है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो अभी 9,900 में बंद हुआ है तो कितना आप नीचे जा सकते हैं, तो 9,800 हो गया आपका सपोर्ट और 9,500 हो गया आपका सपोर्ट जोन। ये आप जो मिड बोलिंजर बैंड दिख रहे हो ये आपका मिड बोलिंजर सपोर्ट जोन, इससे 100 पॉइंट सपोर्ट है। 9,800 सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद फिर से 50 पॉइंट गिर जाते हैं, मैंने यहाँ से अब 100-150 पॉइंट मूवमेंट आ सकता है। तो 9,500 आपका सपोर्ट जोन हो गया, सपोर्ट जोन में आपका बाइंग बनता है, वहाँ बाइंग ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ से रिवर्स भी मार सकते हैं। तो आपको कम से कम यहीं से देखना है कहाँ तक मार्केट मूवमेंट देता है। 9,800 हो गया सपोर्ट, 9,500 सपोर्ट जोन, ये हो गया क्लियर। तो ऊपर का लेवल का जो रेजिस्टेंस रहेगा 10,000 आपका रेजिस्टेंस रहेगा और 10,150 ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ये दो लेवल रहा 10,000 10,150, ऊपर का 250 पॉइंट नीचे का 250 पॉइंट, इसी के बीच में मार्केट खड़ा है। तो आपको देखना है वर्ल्ड मार्केट, पहले सुबह उठ के वर्ल्ड मार्केट देखना है कैसा रहता है, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट स्ट्रेटजी बनाना है। वर्ल्ड मार्केट अगर नेगेटिव रहेगा हमारा मार्केट अंडर परफॉर्मेंस मारेगा नेगेटिव का, तो आपको देखना है ये पहले। तो अभी देखिए RSI के छोटा करके देख सकते हैं, ये देखिए कैसे मूवमेंट दिया है कैंडल, और यहीं से अगर कुछ आपको मैं पहले भी बताया था जब तक 10,000 के ऊपर था तब तक पॉजिटिव मार्केट माना जाता था, 10,000 ब्रेकआउट हुआ तो नेगेटिव आया। तो आपको पूरा ध्यान देना है। तो यह देखिए RSI अभी देखिए अब ट्रेंड में डाइवर्जन से जा रहा था, अभी थोड़ा ब्रेकआउट दिया कि इतना दिन के बाद बुलिश कैंडल के बनने के बाद कम से कम बेयरिश बनता है, ये तो है ही है, ये रूल के हिसाब से एक ही बार में पूरा मीटर नहीं खींचता बुलिश का, कम से कम बेयरिश बनता है। तो बेयरिश के बाद फिर बुलिश आता है, तो बुलिश होने के लिए आपको स्टॉप लॉस को देखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, ये रहा निफ्टी फिफ्टी स्ट्रेटजी। तो निफ्टी बैंक का देखते हैं, निफ्टी बैंक यानी बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जैसे हम बात कर रहे थे 20,500 आपका हो गया, जैसे हम कल बात किए थे 20,500 आपका सपोर्ट था, तो अभी का कहाँ हो गया आप बताइए। तो ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसे बना है, तो आपको ध्यान देना है हर 500 पॉइंट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है बैंक का। तो 20,000 आपका सपोर्ट हो गया, 21,000 आपका रेजिस्टेंस हो गया 500 पॉइंट। तो ये देखिए अगर 20,000 अगर ब्रेकआउट दे दिया तो आपको यहाँ तक आप मिड बोलिंजर बैंड तक दिखाई मिल जाएगी, यानी 19,341 तक टारगेट बना सकते हैं अगर 20,000 ब्रेकआउट देता है। जब तक 20,000 ब्रेकआउट नहीं देते हैं तब तक आप उसी का अंडर में बाय सेल करते रहिए, और 21,000 ब्रेकआउट होने के बाद अब बोलिंजर बैंड देखिए 22,104, ये आराम से बोलिंजर बैंड लगाने से आपको आराम से परफॉर्मेंस आपको पता लग जाता है। तो RSI अभी देखिए 54 के पास है, तो अभी अब बोलिंजर अभी थोड़ा बाउंस यानी इतना दिन का बस 70,500 से लेके 21,500 तक मैंने बहुत बड़ा रैली बनाया था, उसके बाद एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है, तो देखना पड़ेगा मार्केट में और कितना बेयरिश बन सकता है। तो ये रहा निफ्टी बैंक का स्ट्रेटजी, रेजिस्टेंस सपोर्ट में बता दिया। तो आज का जो टॉप गेनर टॉप सेलर है, टॉप गेनर इंडसइंड बैंक, LIC हाउसिंग बैंक, हाउसिंग फाइनेंस और जयप्रम, ये टॉप गेनर है, और टॉप लूजर में आज था SBI बैंक, GIL और इनफेटर, ये तीनों टॉप लूजर, ये तीन हो गया, ध्यान देना है इसमें। उसमें ट्रेड करने से पहले
पहले वर्ल्ड मार्केट को देखना है और उसके बाद इंडियन मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करना है। ये रहा स्ट्रैटेजी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।